जैसे ही सो लिफ्ट में थी अचानक उसका नाखून और कान गिर गया। ये देखकर वह बुरी तरह घबरा गई, लेकिन तभी कोई व्यक्ति लिफ्ट में आ गया। शू ने किसी तरह खुद को संभाला और दिखाया कि मानो कुछ भी ना हुआ हो। जैसे ही लिफ्ट का सफर खत्म हुआ वह फौरन अपने घर पर पहुंची। घर आते ही उसने एक्टिवेशन सीरम का इंजेक्शन लगाया। तभी उसे याद आया कि उसके पास दो और विशेष पदार्थ रखे हुए हैं जिन्हें वह सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकती है। बिना कुछ सोचे समझे वो लिक्विड उसने अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। जैसे ही उसने वह लिक्विड इंजेक्ट किया शू को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। उसके शरीर में वैसा दर्द हुआ जैसे पहले हुआ था। इस बार उसका शरीर कमर से फट गया और उसके अंदर से एक अजीब वो गरीब क्रिएचर बाहर निकला। ये देखने में एक हाइब्रिड क्रिएचर लग रहा था जो शू और एलिजाबेथ का मिश्रण था। ये किसी भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था। शू अब एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, क्या वह दुनिया के सामने जाए या फिर नहीं। इस भ्रम में उसने अपने हाइब्रिड चेहरे पर एलिजाबेथ की तस्वीर चिपका ली। शू का शरीर अब अलग अलग टुकड़ों में बट चुका था और उसके अंदर से अजीबोगरीब कीड़े जैसे टुकड़े निकल रहे थे। इन टुकड़ों के बीच फर्श पर एलिजाबेथ का एक प्रतीक उभर आया जैसे वह उसकी अंतिम निशानी हो। शू का शरीर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसका चेहरा फर्श पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखें आसमान की ओर देख रही थी। चेहरे पर एक अजीबोगरीब मुस्कान थी, मानो वह किसी गहरे रहस्य का मजाक उड़ा रही हो। अचानक उसके चेहरे से खून बहने लगा। अगली सुबह स्टूडियो के कर्मचारी कुछ इस तरह से खून साफ कर रहे थे जैसे कि मानो कुछ वहां पर हुआ ही ना हो। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।